क्लास एट का जो ज्योग्राफी है चैप्टर टू लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हो सकता है किसी बुक अगर एनसीईआरटी बुक छोड़ दे और कोई और बुक हो तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन होगा। हम लोग यहाँ पर दो एक कहानी लेके चले, एक जो अफ्रीका के तंजानिया विलेज से था मांबा का, और दूसरा था पीटर लिप इन द हार्ट ऑफ द सी प्रियरिंग रीजन ऑफ द न्यूजीलैंड। मांबा का कंडीशन गलत था, उसका जो टोपोग्राफी अलग था, उसका जो भौगोलिक स्थिति था वो पूरा वहाँ पर अलग था, उसको कड़ी मेहनत से उगाना पड़ता था, जबकि जो पीटर से न्यूजीलैंड में वहाँ पर वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है तो लोग आराम से जी रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे लैंड यूज के बारे में। हम लोग इससे पहले पार्ट वन में देखें, पार्ट टू में आज हम लोग देखेंगे लैंड यूज के बारे में। अब लैंड यूज का अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि लैंड किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पर ये देखना है। तो अब यहाँ पर लैंड जो है वेरियस पर्पज़ के लिए, अगर इसको नोट्स में हम लोग आते हैं तो लैंड जो है वेरियस पर्पज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लैंड जो है वेरियस पर्पज़ के लिए यूज होता है, जैसे देख रहा है कि डिफरेंट पर्पज़ सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। अगर हम कोई मेरे पास ज़मीन है तो आप देखें कोई ज़मीन में घर बना लेता है, कहीं ज़मीन पर रोड बना हुआ है, कहीं पर इंडस्ट्री बना हुआ है, तो लैंड को किस तरीके से हम यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या मेरा मकसद है। तो सब व्यक्ति का अलग हो सकता है, फार्मर है तो उसमें वो खेती करेगा एग्रीकल्चर करेगा, अगर कोई मतलब कि जंगल में है तो उसको फॉरेस्ट्री होगा, या कहीं माइनिंग है आयरन ओर है कोल है माइका है तो वहाँ पर एक फैक्ट्री बनेगा, और कोई लोग ज़मीन खरीदता है घर बनाने के लिए, कहीं पर रोड बनता है, तो इस तरह की बातें थे, इसी को हम लोग कहते हैं लैंड यूज। अब क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है डिटरमाइन यूज ऑफ लैंड, तो जनरली टू फैक्टर्स होता है, जैसे यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइन बाई द टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड द ह्यूमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो ये जो हम देख रहे हैं जो पहला जो फाइव है ये फिजिकल फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर्स में ये तय करता है कि टोपोग्राफी आपका जो यहाँ पर है वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, कोई ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या पहाड़ में है, हिल में है, प्लाटू में है, या ओशियन के पास है या वेस्टर्न कोस्ट में है यहाँ पर। फिर आपका जब भौगोलिक स्थिति हो गया वहाँ पर, वहाँ पता हो गया तो वहाँ का मिट्टी कैसा है, अलूवियल है या लेस फर्टाइल है। फिर मौसम भी देखना होगा कि क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है वहाँ पर, फिर मिनरल्स है कि नहीं, फिर वाटर का फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये जो हम लोग मैंने कि पांच जो यहाँ से बताया ये है फिजिकल फैक्टर्स। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी सॉयल क्लाइमेट मिनरल्स एबिलिटी ऑफ वाटर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर एक की स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। फिर वहाँ पर पूंजी कितना है, एबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी कितना है, वहाँ का टेक्नोलॉजी अगर कैसा है, तो ये टेक्नोलॉजी भी आदमी लोग जो है ह्यूमन है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, बहुत ये होते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ। फिर अब डिवीज़न ऑफ लैंड, यहाँ पर बात करते हैं कि लैंड का जो डिवीजन्स होता है वो कैसा है, किसके किसके पास ज़मीन का क्या हाल है। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर देखते हैं बहुत सारे ज़मीन जो होता है प्राइवेट भी होते हैं, प्राइवेट लैंड होता है, कोई कम्युनिटी लैंड का होता है, जैसे आप देखेंगे कि पार्क हो गया, अगर आपका घर हो गया तो प्राइवेट लैंड है, अगर कम्युनिटी लैंड हो गया जैसे तालाब हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया या फिर पार्क हो गया, ये सब लैंड का होता है। अगर हम इंडिया का नेट जोन एरिया की बात करें कि इंडिया में कितना एरिया में जो खेती होता है, अगर नेट जोन एरिया की बात करेंगे इंडिया में कि कितना पार्ट में खेती होता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो एक्चुअली जो डाटा है करेंट वहाँ 46.6% इंडिया में खेती होता है। फिर जंगल कितना है, तो फॉरेस्ट जो है अगर फॉरेस्ट देखेंगे जंगल जो देखेंगे तो ये टेंथ के बुक में भी आपको पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान देना है, 22.6% आएगा। और अगर कहीं पर जो घास का मैदान है जो भी परमानेंट पास्चर जिसको कहते हैं, अगर परमानेंट पास्चर अगर देख रहे हैं तो पास्चर कितना है घास का मैदान, तो 3.6% है। और कल्टीवेटेड वेस्टलैंड जहाँ पर खेती किया जाता है लेकिन वो बेकार पड़ा हुआ है उसको हम लोग कल्टीवेटेड वेस्टलैंड कहते हैं, तो 4.5% है। तो इस तरह से और बने और नॉन एग्रीकल्चर एरिया इस सबको मिला देंगे तो 13.5% आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि नेट जोन जो एरिया है वो 50% से भी कम है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपका प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, कम्युनिटी लैंड भी हो सकता है, और ड्यू टू इंक्रीजिंग द डिमांड एंड पॉपुलेशन टेंड टू लैंड डिग्रेडेशन कि ज़मीन बर्बाद हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहा है, सॉयल इरोजन हो रहा है, तो हमको इससे बचना है, तो इसीलिए हमको करना होता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कि जितना भी मेरे पास लैंड का रिसोर्सेज है तो उसको हम लोग को कंजर्व करना है, बचाना है, मीन्स वी हैव लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ।
एट द सेम टाइम, अगर दूसरी तरह देखेंगे, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स। ठीक है, जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑल्सो, कि अगर ज़मीन तो लिमिट है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका भी डिमांड है, उसको भी फुलफिल करना है, और लार्ज पार्ट एरिया जो इंडिया इसका लैंड है वो अनयूज्ड है, क्योंकि ड्यू टू द टोपोग्राफी, जो भौगोलिक स्थिति के कारण। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए। अब इसमें समझना होगा कि एक केस स्टडी भी है, जो एनसीईआरटी के बुक में केस स्टडी जो दिया है, यहाँ पर बता दिया लैंड यूज के बारे में, जैसे मांबा और वहाँ पर दोनों का लेकर चले। तो अब यहाँ पर हम बोले कि कॉमन प्रॉपर्टी भी होता है, जिसको कम्युनिटी प्रॉपर्टीज है, जो ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो यहाँ तो तुम लोग चर्चा कर ली। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दिया है, ये देखिए कैसे कैसे समय के अनुसार आप देखेंगे कि जो लैंड यूज है वो ओवर टाइम के अनुसार समय के साथ ये बदल गया। अगर देखें पहले खेती इस तरीके से होता था, रोड, फिर यहाँ घर बनने लगे, झोपड़ी था फिर घर बन गया, फिर इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया, खेत भी कम गया, यहाँ पर देखिए रोड इतना डेवलपमेंट हो गया, अब ये भी गायब हो गया, ट्रेन भी आ गया, सारा चीज़। सोचिए एक सेम लैंड है, और यहाँ पर जब ह्यूमन फैक्टर, जो टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन फैक्टर के कारण पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसको रोड चाहिए। तो इस तरह से जो दिया हुआ है कि चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, समय के अनुसार ये कहता है। अब यहाँ कंजर्वेशन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, वेदरिंग क्या है, तो वेदरिंग मतलब कि पत्थर का टूटना, द ब्रेकिंग अप एंड डिकेज ऑफ एक्सपोल्ड रॉक्स, चाहे तो टेम्परेचर हो सकता है, विंड हो सकता है, या एक्टिविटी से। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है, तो केस स्टडी शायद इसको देख लेते हैं कहाँ पर है, क्योंकि CBSE का जो NCERT में लिखा हुआ है, केस स्टडी भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो केस स्टडी है शायद इस टॉपिक में नहीं होगा, हम लोग को मिलेंगे अगले टॉपिक में, जो सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉइल में यहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड्स दिया है, सॉइल में जब पढ़ेंगे तो ये केस स्टडी को पढ़ेंगे। थैंक यू।